चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के अक्षय कुमार को ऐसे ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता है। अक्षय कुमार की फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है हमेशा अपने पुराने फिल्मों का कलेक्शन तोड़ कर एक नया रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन इस बार अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन काफी ज्यादा कमजोर बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई है। जी हाँ, यदि हम फिल्म की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अभी तक 100 करोड़ के क्लब में भी एंट्री नहीं ली है। हालांकि फिल्म को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक अक्षय की पैडमैन 100 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं ले पाई है। आपको बता दें कि पैडमैन अपनी लागत तो वसूल लिया है, लेकिन पैडमैन से जितना उम्मीदें थी उतना पैडमैन ने बिजनेस अभी तक नहीं कर पाया है। फिल्म को रिलीज होकर करीब करीब 15 दिन हो चुके हैं और दूसरे सप्ताह में फिल्म की कमाई काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 76 करोड़ ही कमा पाई है। वहीं आपको बता दें कि फिल्म पैडमैन पहले हफ्ते करीब करीब 62 करोड़ रुपए कमाए थे और दूसरे सप्ताह में सिर्फ उसने 14 करोड़ ही कमा पाए हैं। आपको बता दें कि फिल्म पैडमैन 60 करोड़ की बजट से बनी है, लेकिन फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना अभी काफी दूर है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन का प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना है, इसीलिए फिल्म को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो या ना हो, लेकिन पैडमैन अभी भी थोड़ा बहुत बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रहा है। अब देखना यह है कि फिल्म पैडमैन कब 100 करोड़ के क्लब में शामिल होती है।